जनरेशन ट्रांसमिशन स्विच गियर प्रोडक्शन है, जिसमें हम जनरेशन करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं। आज हम इसी प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता, प्रोटेक्शन करने के लिए हम गियर्स का इस्तेमाल करते हैं, स्विच गियर का इस्तेमाल करते हैं। इन स्विच गियर्स में पावर सर्किट सिस्टम आदि आते हैं। अब हम इसके बारे में फॉल्ट इन सिस्टम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फॉल्ट होते हैं। सबसे पहले होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट, एक होता है असिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट में दो प्रकार के फॉल्ट होते हैं, एक होता है ट्रिपल एल फॉल्ट, एक होता है ट्रिपल एल जी फॉल्ट। और असिमेट्रिकल फॉल्ट में चार फॉल्ट होते हैं बेसिकली। यहाँ पे एक डबल एल एल जी, इसको पढ़ने के लिए डबल एल जी मतलब इसे समझ लीजिए कि हमारे ये दो तार है, एक लाइन है, एक ग्राउंड है। तो ये हमारा दोनों आपस में शॉर्ट हो गए और ये हमारा ग्राउंड को टच हो गया, ये कहलाता है। दूसरा होता है हमारा असिमेट्रिकल, आपका डबल एल जी फॉल्ट। डबल एल जी लग रहा है, डबल एल जी हो गया, ये हमारा ग्राउंड ग्राउंड वायर हो गया, सॉरी ग्राउंड, ये ग्राउंड वायर हो गया, ये दोनों आपस में टच कर जाए और ये हमारा ग्राउंड को टच कर, ये हमारा कहलाता है असिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। अब